देखो 7:02 हो चुके हैं, बस 2-4 मिनट का टाइम और है, फिर सारा सामान गाड़ी में रखते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। भगवान जी को प्रणाम कर लें। बस अब मिलते हैं आपको गाड़ी में। देखो डीज़ल बिल्कुल एंड पे है, इसलिए सुबह सुबह क्या है कि वैसे तो रात को ही भराने वाला था, लेकिन सुबह सुबह आगे मैंने कहा चलो इस टाइम भरालते हैं, और यहाँ से कम ही लेंगे क्योंकि राजस्थान में डीज़ल थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि जाना हमें यूपी में। देखो सुबह सुबह सूरज का नज़ारा बहुत शानदार लग रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से पता नहीं बादल है या फिर कोई पोल्यूशन ज़्यादा है। हाल फिलहाल दिवाली गई है ना 2-3 दिन पहले ही, इसलिए लग रहा है पोल्यूशन ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल चमकता हुआ नज़र आता है सूरज इस टाइम। भाई बहुत ही सुंदर शहर है हमारा, ऐसी बात नहीं है, देखो आप। और वैसे है ना आगरा रोड जाने के लिए आपके पास इस टाइम 2-3 रास्ते हैं, हालांकि हम तो इस टनल को क्रॉस करके जाएंगे क्योंकि हमें ये जगह बहुत सुंदर लगती है, और नया एक रास्ता बनाया जगतपुरा साइड से, ये देखो आप, शानदार भाई, बहुत ही शानदार। अब देखो वैसे तो ये टनल जयपुर में है, लेकिन जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना तो एक्साइटनेस अलग ही होती है। वैसे तो क्या है कि टनल बहुत छोटी सी है, लेकिन है शानदार। अब इस टाइम हम आ गए हैं जी आगरा रोड पे, यही रास्ता आपको लेके जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और साथ में लेके जाएगा वृंदावन भरतपुर होते हुए। ऊपर वो देखो ऊपर की तरफ वहां पे चूल गिरी है। सुबह सुबह 2 घंटे दिए थे आपको तैयार होने के लिए, उसके बाद भी ये हालत है। अब गाड़ी में आके सारे काम हो रहे हैं। अच्छा सारा सामान अब चेक हो रहा है, कौन कौन सा डाला है कौन सा नहीं डाला है। राधे राधे, ये जय श्री कृष्णा। आज की यात्रा, आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं जय श्री कृष्णा के नाम से, क्योंकि आज का डेस्टिनेशन जैसा मैंने आपको बताया है वृंदावन है। अब वैसे ये शॉर्ट ट्रिप है 3-4 दिनों की, ज्यादा दिनों की नहीं है। सबसे पहले हमें जाना है बरसाना, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो यहाँ से पड़ रहा है लगभग 165 किलोमीटर, और इधर से भरतपुर होते हुए जाएंगे ना पीछे से इधर से तो यहाँ से पड़ रहा है 171 किलोमीटर जाएंगे हम वाया भरतपुर होते हुए। पहले तो डिसाइड ये किया था कि दिल्ली वाली रोड से चलते हैं, पर अब भरतपुर होके जाएंगे। ये सिकंदरा शहर है, अगर अपने जयपुर से आगरा रोड पर जाते हैं ना तो रास्ते में आता है। यहाँ पर क्या है, ये रेड स्टोन का काम बहुत होता है, बहुत मूर्तियाँ बनती है, हर प्रकार की मूर्तियाँ बनती है। देखो आप, भगवान की भी है, ये शेर हाथी घोड़ा सब कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत बड़ा काम है, और पूरे शहर में ही है ये रोड के दोनों तरफ। उस तरफ देखोगे ना वो देखो वहाँ पे भी सिर्फ यही काम है सारा, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, और ये देखो कितनी बड़ी नेम प्लेट बनी हुई है। वहाँ से हमने डिसाइड ये किया था कि हम भरतपुर वाले रोड पे ही जाएंगे, और इस रोड पे अभी हमें चलते चलते करीब हो गए हैं 2 घंटे, और अब एक छोटा सा ब्रेक लिया है। यहाँ पे एक गुलशन ढाबा है, कुछ आप देख नहीं पा रहे हो, इस गुलशन ढाबे पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जाएंगे बरसाना। आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप कंटिन्यू काम करोगे ना फिर तो है बहुत बढ़िया शानदार, और अगर आप कंटिन्यू काम नहीं करोगे ना तो फिर बड़ा थोड़ा सा टिपिकल सा काम है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके ऑडियंस होते हैं ना वो ये चाहते हैं कि उनको पता लगता रहे कि आप अभी कहाँ हैं, किस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, और जैसे ही आप ये सब कुछ छोड़ोगे तो वो जितनी भी ऑडियंस है ना आपकी वो दूसरे चैनल की तरफ चली जाती है। तो कोशिश ये करा करो कि हमेशा जब भी आप फाइनल करो कि मुझे यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर काम करना है, तो कोई भी निश चुनो लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए कुछ भी। बस देखो वैसे तो अभी है ना हम लोग राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हैं, और आज हम जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वाटर लेवल देखो आप यहाँ पे ज़मीन का, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जहाँ से ज़मीन ख़राब हो जाती है, ये देखो पेड़ बिल्कुल नीचे चला गया है और पानी बिल्कुल ऊपर आ गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि ये जो ज़मीन है ना ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब यहाँ पे कभी फसल नहीं होगी, सेम बोलते हैं वैसे इसको। ये सामने गाड़ी खड़ी है, और यहाँ से मुश्किल से गोवर्धन बचा है 10-12 किलोमीटर, लेकिन आप हालत देखो कितनी ख़तरनाक है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना सब जगह पानी पानी है।
देखो बरसाना तो पहुंच गए हैं और लेकिन जो मंदिर बंद होने का टाइम है ना वो 2 बजे है, 2 बजे से लेके और 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। अब आप ये लाइन देख लो, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है ना तो इस तरीके से जाना पड़ेगा आपको। अभी वैसे हमारे पास 1.5 घंटा है लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें राधा रानी दर्शन जरूर देगी। पैदल का रास्ता अलग है और कार वालों का रास्ता ये है। भीड़ बहुत है हर दिन, आज तो फिर भी मेरे को लगता है कि ना तो कोई छुट्टी के दिन ना कोई स्पेशल दिन है, उसके बावजूद भीड़ बहुत है। ये देखो कितने लोग आ रहे हैं बाइक पे, सब ये बाइक टैक्सी है ये। भाई एक आदमी कितने लेते हो? एक आदमी 100 रुपये। आना जाना? और आने के? आने के 2 घंटे आ जाना। अच्छा, कितनी भीड़ हो रही है यार, तो बाइक ही फंस गए तो गाड़ियां तो फंसती है। पता नहीं बोलते भी क्या है। गाड़ी के अंदर जो है ना 2 लैपटॉप थे, दोनों लैपटॉप मैं लेके साथ आ गया हूँ और मंदिर तक जाने की बहुत बुरी हालत है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अपनी गाड़ी लेके आना यहाँ पे, भाई ऊपर पार्किंग नीचे ही कर दो, ऊपर तक मत लेके आओ गाड़ी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इतना ऊँचाई पर मंदिर है ये सारा बरसाना है, ये सारा मंदिर का पार्ट है ये जो दिख रहा है ना, ये देखो साला सारा। चलो पीछे यार। बहुत जद्दोजहद करके बहुत भीड़ में से ना ऐसे इधर उधर लोगों को कर कुरा के राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, आनंद आ गया। आज के आनंद की जय हो। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, टिल देन खुश रहो, मुस्कुराते रहो और धार्मिक यात्रा और वैसे भी दूसरी यात्राएं भी जर्नी भी करते रहो।